नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजी नरेश। आज का प्रेडिक्शन है सूर्य ग्रह के स्वाति नक्षत्र के भ्रमण के बारे में। डेबिलेटेड सन, नीच के सूर्य, तुला के सूर्य स्वाति नक्षत्र के अंदर कैसा फल देते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से इस प्रेडिक्शन के बारे में। तो जो सूर्य का जो भ्रमण है ये 24 अक्टूबर को सुबह 6:15 को सूर्य स्वाति नक्षत्र में भ्रमण शुरू करेंगे, जो चलेंगे 6 नवंबर 2021 तक दोपहर में 2:23 तक। तो अप्रोक्सीमेटली जो ये 13 दिन का पीरियड है, आइए जानते हैं स्वाति नक्षत्र के अंदर सूर्य सबको कैसा फल देंगे। तो सबसे पहले तो इस नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। स्वाति नक्षत्र तुला राशि के अंदर आने वाला ये नक्षत्र है। तुला राशि के अंदर आने वाला ये दूसरा नक्षत्र है। सब तुला राशि के अंदर प्रथम जो नक्षत्र है वो चित्रा है। चित्रा के तीसरा और चौथा चरण है, मतलब आधा नक्षत्र चित्रा है और स्वाति के 4 चरण हैं और विशाखा के 3 चरण हैं, ऐसे मिला के तुला राशि बनती है। और ये मिडल वाला नक्षत्र है, चित्रा और विशाखा के बीच का ये नक्षत्र है। 2 टाइगर के बीच में भैंस है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि चित्रा की जो योनि है ये व्याघ्र योनि है, विशाखा की योनि भी व्याघ्र योनि है और इस नक्षत्र के जो मालिक हैं वो राहु हैं। तो ये जो नक्षत्र है इसकी योनि है महिषी है, महिषी बने भैंस, तो बहुत स्लो चलने वाली होती है, आराम प्रिय है, गण भी देव है इसके कारण और आराम प्रिय है। तो ओवरऑल जनमानस के अंदर आराम प्रिय प्रकृति देखने को मिलेगी, लोग ज़्यादा आराम करना पसंद करेंगे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल जनमानस की बात है, पर्टिकुलरली ग्रह के किसी जातक के ग्रह ऐसे हैं कि जो बहुत एक्टिव है, उसके जन्म के ही ग्रह ऐसे हैं तो उसमें भी ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ओवरऑल प्रकृति सब लोगों के जनरल मानस के अंदर ऐसे ही देखने को मिलेगी कि लोग आराम ज़्यादा करेंगे। तो महिषी योनि है, आराम प्रिय हैं, देवगण भी आराम प्रिय हैं और नक्षत्र के जो मालिक हैं ये राहु हैं। तो राहु का जनरल टेंडेंसी होता है कि राहु मायावी चीज़ों के पीछे, मतलब जो भौतिक चीज़ें हैं इसके पीछे, पैसे के पीछे लोगों की दौड़ ज़्यादा रहेगी इन समय के दरम्यान। तो स्वाति नक्षत्र के ये सूर्य जो है, सूर्य माने एनर्जी, सूर्य एनर्जी के भंडार हैं, सूर्य के कारण ही पृथ्वी के ऊपर जनजीवन का अस्तित्व है। आपका हमारा पृथ्वी के ऊपर जितने भी छोटे बड़े जीव हैं ये सबका जो अस्तित्व है ये सूर्य के कारण है। तो सूर्य राहु के नक्षत्र में कैसा फल देंगे, तो जिसके लिए भी ये संपत्ति देने वाले नक्षत्र हैं, जिसके लिए भी साधक नक्षत्र हैं, ये जातकों के लिए सूर्य सबसे ज़्यादा शुभ फल देंगे। भले सूर्य नीच राशि के हैं लेकिन फिर भी आपको शुभ फल मिलेगा, जबकि जिसके लिए भी सूर्य का नक्षत्र विपद और वध नक्षत्र है, ये राहु का नक्षत्र, इनके लिए इसका ज़्यादा अशुभ फल मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रथम राशि मेष राशि वाले जातकों के प्रेडिक्शन से। तो मेष राशि में जिनका भी जन्म हुआ है इनके लिए सूर्य होंगे सप्तम स्थान के अंदर, दाम्पत्य जीवन के स्थान के अंदर, पार्टनरशिप के स्थान के अंदर सूर्य का फल इतना शुभ नहीं है। विवाहित जो जातक हैं इनको पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में विशेष केयर करना होगा। अश्विनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए साधक नक्षत्र में है, तो आपको अपने पार्टनर की ओर से लाभ रहेगा। जबकि भरणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए सूर्य प्रत्यारी नक्षत्र में है,
यानी कि ओपोजिशन होगा, कहाँ से होगा? आपके पार्टनर की ओर से होगा। आपको पार्टनर का ओपोजिशन करना पड़े या पार्टनर आपका ओपोजिशन करे, परिस्थिति कोई भी हो सकती है, लेकिन ओपोजिशन होने की संभावना है पार्टनर के साथ। तो मेष राशि में जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, इनके लिए जो ये ट्रांजिट है आपके लिए क्षेम तारा के अंदर है, तो आपके लिए मध्यम फलदायी है। तो वृषभ राशि में जन्म हुआ है ये जातकों के लिए क्या होगा? वृषभ में जिनका जन्म हुआ है, इनके लिए सूर्य चलेंगे आपकी राशि से छठे स्थान के अंदर, जो कि आपको रोग शत्रु पर विजय देने वाले बनेंगे। वृषभ कृतिका के लिए ये ट्रांजिट क्षेम तारा के अंदर है, वृषभ रोहिणी के लिए ये विपक्त नक्षत्र है। तो खान पान में आपको विशेष केयर करना होगा, पेट में कुछ गड़बड़ ना हो जाए उसका भी केयर करना होगा। और मृग शिरा में जिनका जन्म हुआ है, वृषभ मृग शिरा प्रथम द्वितीय चरण मृग शिरा का वृषभ राशि के अंदर है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाली होगी। एब्रॉड रिलेशन और एब्रॉड कनेक्शन से आपको ये लाभ करवाने वाली ट्रांजिट होगी, क्योंकि राहु के अंडर में एब्रॉड कनेक्शंस भी आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आता है, तो ये सब जो काम है ये इसमें भी आपको ये ज़्यादा बेनिफिट करवाएंगे। जिनका भी जन्म हुआ है वृषभ राशि के अंदर रोहिणी नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में, रोहिणी के लिए ये टेंशन वाला है, तो आपको एब्रॉड रिलेशन से भी टेंशन आ सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको टेंशन आ सकता है, क्योंकि राहु आपके लिए विपक्त नक्षत्र में है। तो मिथुन राशि के लिए फल क्या होगा? मिथुन राशि के लिए सूर्य पंचम स्थान के अंदर होंगे, तो मिथुन मृग शिरा के लिए सबसे ज़्यादा शुभ फल होगा, क्योंकि आपके लिए ये संपत नक्षत्र में है। पंचम स्थान में सूर्य पूर्व जन्म के पुण्य कर्म को उदित करने वाले हैं, अदरवाइज इस जन्म के अंदर भी आपने कुछ पुण्य कर्म किया है तो उसका और भी कुछ अच्छा काम किया है, कुछ बहुत मेहनत वाला काम किया है, तो इसका रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा इस राहु की नक्षत्र की ट्रांजिट में, साथी नक्षत्र की ट्रांजिट में। तो मिथुन पुनर्वसु के लिए, मिथुन आद्रा के लिए ये जन्म तारा है, मध्यम फलदायी है। मिथुन पुनर्वसु के लिए ये अतिमित्र नक्षत्र है, तो मध्यम फलदायी है। सबसे ज़्यादा फल शुभ है मिथुन मृग शिरा को। तो कर्क राशि के लिए क्या फल होगा? कर्क पुनर्वसु के लिए जो है ये अतिमित्र नक्षत्र है, लेकिन राशि से चौथे स्थान के अंदर सूर्य का फल शुभ नहीं है। मिथुन कर्क राशि के पुष्य नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, इनके लिए ये मित्र नक्षत्र है, जबकि कर्क आश्लेषा के लिए ये वध नक्षत्र होगा, तो सबसे ज़्यादा अशुभ फल होगा कर्क राशि में जिनका जन्म हुआ है आश्लेषा नक्षत्र में। तो आपको खास करके माता के साथ रिलेशन में केयर करना होगा, पिता के साथ केयर करना होगा, जॉब में अपर लेवल के साथ केयर करना होगा, ये सब जगह पे केयर करना है। प्रॉपर्टी में भी कुछ खर्चा आ सकता है, मकान के अंदर आ सकता है, वाहन के अंदर आ सकता है, तो ये सब जगह पे आपको केयर करना है। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए फल क्या होगा? सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो सूर्य चलेंगे आपके पराक्रम स्थान के अंदर, तो साहस में वृद्धि करने वाले हैं। मगा के लिए ये साधक नक्षत्र है, सक्सेस जोन है, आपको सफलता देने वाले हैं नए साहस के अंदर। आपके भाई बहन भी आपको सपोर्टिव बनेंगे, आपके नेबर्स भी आपको सपोर्टिव बनेंगे, तो आपके लिए ये ट्रांजिट शुभ फल देने वाला है। पूर्व फाल्गुनी के लिए जो ये ट्रांजिट है आपके लिए ऑपोजिशन वाला है, कहाँ से होगा? आपके भाई बहन की ओर से होगा या तो आपके नेबर्स की ओर से होगा। और उत्तरा फाल्गुनी के लिए एक क्षेम तारा के अंदर है, तो आपके लिए शुभ फल देने वाली ट्रांजिट है पराक्रम स्थान में सूर्य। तो हस्त नक्षत्र में कन्या राशि वाले जातकों के लिए फल क्या होगा? कन्या उत्तरा फाल्गुनी के लिए एक क्षेम तारा है, तो मध्यम फलदायी है। और हस्त नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, इनके लिए ट्रांजिट थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस वाली होगी, पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर। तो वाणी में भी सही बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर जिनका भी जन्म हुआ है कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में। कन्या चित्रा के लिए इसका फल शुभ होगा, लेकिन वाणी में सही बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर।
तो तुला चित्रा के लिए फल क्या होगा? जन्म के अंदर ही है, आपकी राशि के अंदर है, तो माइंड आपका ब्लैंक हो जाएगा कि कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करे क्या ना करे, ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा। कन्या तुला चित्रा के बाद तुला स्वाति के लिए आपके लिए जन्म के अति मित्र नक्षत्र के अंदर है, आपकी राशि के अंदर सूर्य है, तो आपकी भी परिस्थिति कुछ ऐसी रहेगी। स्वाति में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए थोड़ा सा माइंड का ब्लैंक होना ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके जन्म के चंद्र के ऊपर से नक्षत्र में जब सूर्य भ्रमण करेंगे इट्स कॉल्ड अमावस्या योग, तो माइंड एकदम ब्लैंक हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करे क्या ना करे। तो क्या करना है ऐसी परिस्थिति में? कुछ नहीं करना है, शांति से समय पास करना है। तुला विशाखा के लिए ये अति मित्र नक्षत्र है, फिर भी तमाम तुला राशि वाले जातकों को रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ कुछ ज्यादा ही केयर करना होगा। वृश्चिक राशि, जल तत्व की आठवीं राशि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य 12वें स्थान में नीच राशि के अंदर है। डेबिलेटेड सन इन द 12th हाउस इज नॉट गुड फॉर यू ऑल ऑल स्कॉर्पियोस। लेट्स चेक द प्रेडिक्शन एज पर नक्षत्र। वृश्चिक विशाखा के लिए जो ये है अति मित्र नक्षत्र है, इतना अशुभ नहीं है। वृश्चिक जय अनुराधा के लिए ये मित्र नक्षत्र है, सबसे ज्यादा अशुभ फल मिलेगा जिनका जन्म हुआ है ज्येष्ठ नक्षत्र में, क्योंकि राहु का ये नक्षत्र आपके लिए वध नक्षत्र में है और राशि से 12वें स्थान के अंदर है, तो आकस्मिक कोई खर्च आ सकता है, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई खर्च आ सकता है, आपके हेल्थ में कुछ गड़बड़ हो सकती है, फादर के साथ रिलेशन में तनाव आ सकता है, आपके फादर के हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये सब जगह पे केयर करना होगा। धनु राशि के लिए फल क्या होगा? 11वें स्थान में सूर्य नीच राशि के अंदर आपको सरकार से लाभ करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। और मूला के लिए ये साधक नक्षत्र है, सबसे ज्यादा शुभ फल होगा। पूर्व आषाढ़ा के लिए ये जो नक्षत्र है प्रत्यरी है, माने ऑपोजिशन है, आपका मित्रों के साथ हो सकता है, आपके संतानों के साथ हो सकता है। और उत्तराषाढ़ा के लिए ये क्षेम नक्षत्र है, तो आपके लिए भी शुभ फल देने वाली ट्रांजिट होगी। मकर राशि में जन्मे हुए जातकों के लिए सूर्य 10वें स्थान के अंदर राजयोग कारक है। मकर उत्तराषाढ़ा के लिए ये क्षेम तारा है। मकर गनिष्ठा के लिए सबसे ज्यादा शुभ फल होगा। 10वें स्थान के अंदर कार्य क्षेत्र के अंदर जो आपके संपत नक्षत्र में सूर्य है, ये आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट करने वाले होंगे। यदि आप आईटी सेक्टर के अंदर हैं, आप यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो आपको एब्रोड रिलेशन और एब्रोड कनेक्शन से ये मैक्सिमम बेनिफिट करने वाली ट्रांजिट होगी। तो कुंभ गनिष्ठा के लिए फल क्या होगा? कुंभ गनिष्ठा के लिए भी जो सूर्य है वो भाग्य स्थान के अंदर होंगे, संपत नक्षत्र में होंगे, तो भाग्य आपका चमकने वाला है, भाग्य में आपके वृद्धि होने वाली है। तो कुंभ शत विशा के लिए फल क्या होगा? जन्म तारा है, भाग्य स्थान के अंदर है, लेकिन मध्यम फलदायी है। क्यों? क्योंकि जो योनि दोष यहाँ पर क्रिएट होता है, शत विशा की जो योनि है ये अश्व योनि है, अश्व माने घोड़ा, और जो ये स्वाति नक्षत्र में चलने वाले सूर्य है इसका जो योनि है ये महिषी योनि है, महिषी माने भैंस, और ये दोनों कट्टर शत्रु हैं। तो शत्रु इसलिए बोल सकते हैं कि जो घोड़ा चलता है तो भी भैंस को दौड़ना पड़ता है, तो ये दोनों साथ में नहीं चल सकते हैं, तो उसके कारण जो योनि दोष क्रिएट होता है। तो आपके जो कार्य धीमी गति से होंगे उसके कारण आप थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि घोड़े को जो शत विशा है इनको फास्ट काम करने की स्पीड चाहिए और स्लो मोशन में काम करना आपको पसंद नहीं आएगा, इसके कारण कार्य आपके स्लो होंगे, इसके कारण आपको टेंशन स्ट्रेस आएगा। कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए ये अति मित्र नक्षत्र है, भाग्य में वृद्धि करने वाला है। तो फिर भी शत विशा के लिए भी इतना बुरा नहीं है, भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि भाग्य में सबसे ज्यादा तेज तेज ग्रह है सूर्य ग्रह, तो सूर्य ग्रह का भाग्य में वृद्धि करना तो निश्चित है, भले ही ये नीच राशि के अंदर है, लेकिन सूर्य आखिर सूर्य है। तो
मीन राशि वाले जातकों के लिए फल क्या होगा? सूर्य आठवें स्थान के अंदर डेबिलेटेड सन इन द एट्थ हाउस इज नॉट गुड फॉर पाइसिस। मीन राशि के लिए इसका फल शुभ नहीं होगा। आठवें स्थान के अंदर सूर्य नीच राशि के सूर्य पारिवारिक समस्या क्रिएट करेंगे, फाइनेंशियल मैटर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो आपको केयरफुल रहना होगा। वाणी में भी सेम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर, और आंखों का भी आपको विशेष केयर करना होगा। मीन पूर्व भद्रपद के लिए ये अति मित्र नक्षत्र है, और मीन उत्तर भद्रपद के लिए ये मित्र तारा है, और मीन रेवती को इसका सबसे ज़्यादा अशुभ फल मिलेगा, क्योंकि आपके लिए आठवें स्थान के अंदर और वध नक्षत्र के अंदर है, तो आपको सबसे ज़्यादा अशुभ फल मिलेगा ये ट्रांजिट का सूर्य का स्वाति नक्षत्र में। तो आपको व्हीकल ड्राइव में केयर करना है, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में केयर करना है, फाइनेंशियल मैटर में केयर करना है, पारिवारिक मामलों में केयर करना है। तो बुध के नक्षत्र वाले जो जातक हैं अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती, ये जातकों को इसका सबसे ज़्यादा अशुभ फल मिलेगा, क्योंकि अश्लेषा के लिए ये चौथे स्थान के अंदर होंगे, रेवती के लिए ये आठवें स्थान के अंदर होंगे, और ज्येष्ठा के लिए ये बारहवें स्थान के अंदर होंगे, और तीनों तीन स्थान के अंदर जो सूर्य का फल है वो शुभ नहीं माना गया है, और ऊपर से ये वध नक्षत्र है, तो ये 13 दिन का जो पीरियड है बुध के नक्षत्र वाले जातकों को बहुत केयरफुल रहना होगा, समय शांति से पास करना होगा। अशुभत्व के निवारण के लिए सूर्य ग्रह की शांति के लिए क्या करना है, रेमेडीज आप नोट कर लीजिए। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आपको दिन में 3 बार सूर्य का दर्शन करना है, सुबह में, दोपहर में, बिफोर सनसेट। गाय को आपको थोड़ा सा सफ़ेद तिल, हरा वाला मूंग, गुड़ और चना, ये चीज़ मिक्स करके रोटी के अंदर आप डाल सकते हैं, और ये चीज़ मिक्स करके आप रोज गाय को खिलाएं और गाय की परिक्रमा करें। तो सूर्य ग्रह के आप मंत्र भी कर सकते हैं, ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाचतम तमोरिम सर्व पापग्रम प्रणतोष्मि दिवाकरम। यदि आपसे ये मंत्र करना पॉसिबल ना हो तो सिंपल मंत्र कर सकते हैं, ओम ह्रीम क्लीम सूर्याय नमः, और ये भी आपसे करना पॉसिबल ना हो तो आप पंचाक्षर मंत्र करें, ओम नमः शिवाय। जब भी आपका माइंड खाली होता है मन में मंत्र करें ओम नमः शिवाय। तो ये प्रेडिक्शन को आप अपने चंद्र नक्षत्र के साथ साथ अपने सूर्य नक्षत्र से भी इम्प्लीमेंट करके देखें, और ये प्रेडिक्शन गोचर ट्रांजिट के साथ साथ आप जन्म कुंडली देखने के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यदि आपके मित्र कोई ज्योतिष सीख रहे हैं तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये प्रेडिक्शन और नॉलेज का लाभ मिले। लाइक का एक बटन जरूर बनता है फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि चैनल से ऐसे ही जो भी नए प्रेडिक्शन वाले वीडियो अपलोड होंगे इसकी आपको तुरंत जानकारी मिलेगी। यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और नीचे कॉमेंट बॉक्स में भी कॉमेंट जरूर करें, और मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। देवाधिदेव महादेव आप सबका कल्याण करें, ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।